क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें ये दिखाना है कि 0.2353535 एंड सो ऑन, जिसको कि हम 0.2 एंड 35 पर बार भी लिख सकते हैं, इस नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम इस नंबर को जिस p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे उसमें जो p एंड q होंगे वो इंटीजर्स होंगे एंड q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमने 0.2 एंड 35 पर बार इस नंबर को p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 0.2 एंड 35 पर बार इस नंबर को यहां पर p अपॉन q फॉर्म में सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट p अपॉन q इज इक्वल टू 0.235 एंड 35 पर बार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, p अपॉन q इज इक्वल टू 0.235 35 35 एंड सो ऑन, क्योंकि 35 पर बार लगाया तो हमने 35 को बार बार यहां पर रिपीट कर लिया और डैश 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 लगा करके हमने ये दिखा दिया कि 35 अभी बार बार आते रहेंगे क्योंकि 35 पर बार लगा हुआ है। अब हमने देखा कि पॉइंट के बाद में एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद में 2 वो एक नंबर है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम 2 को पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, 2 को पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। इसके लिए हमें इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ को 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 p अपॉन q। अब हम राइट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.2353535 एंड सो ऑन। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 10 p अपॉन q, अब हमारा राइट हैंड साइड है 10 इंटू 0.2353535 एंड सो ऑन। तो जब हम 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 10 से किसी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट एक राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, एक राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा पॉइंट। तो ये हो जाएगा 2.353535 एंड सो ऑन। अब क्योंकि पॉइंट के बाद में बार वाले नंबर आ गए तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। जब भी पॉइंट के बाद में बार वाले नंबर्स आ जाते हैं तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में ऐसा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो जिसमें पॉइंट के बाद में एक नंबर पर बार नहीं लगा हो, यानी कि वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा हो और उसके बाद वाले नंबरों पर बार लगा हो, तो आपने उस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि पॉइंट एक राइट हैंड साइड की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और जो वो नॉन रिपीटेड नंबर है वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आ जाएगा। नॉन रिपीटेड नंबर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आ जाएगा और पॉइंट के राइट हैंड साइड में रह जाएगा सिर्फ रिपीटेड नंबर्स और वो बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अगर हमारे पास में ऐसा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में दो नंबर्स पर बार नहीं लगा हो और उसके बाद वाले नंबर्स पर बार लगा हो, तो हम उस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट को दो राइट हैंड साइड की तरफ को शिफ्ट करेंगे जिससे कि वो नॉन रिपीटेड नंबर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए और पॉइंट के बाद में सिर्फ रिपीटेड नंबर्स रह जाए, तब हम उसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारे पास में ऐसा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में तीन नंबर्स पर बार नहीं लगा हो और उसके बाद वाले नंबर्स पर बार लगा हो, तो हम उस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हमने इक्वेशन फर्स्ट तो बना लिया, अब हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि इस फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट के बाद में ऐसे दो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। हम इक्वेशन फर्स्ट को 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 इंटू 10 पी अपॉन क्यू। चलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट के राइट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब यह आएगा 100 इंटू 2.353535 एंड सो ऑन। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है 100 इंटू 10 पी अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा 1000 पी अपॉन क्यू।
अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है 100 इंटू 2.353535 बार। तो जब हम 100 से डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 राइट हैंड साइड की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, तब ये हो जाएगा 235.353535 एंड सो ऑन। अब यहां पर हमने पॉइंट के बाद में जो बार वाले नंबर थे, जो रिपीटेड नंबर थे, उनको एक बार ही पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो जब भी हम पॉइंट के बाद वाले बार वाले नंबर्स को, रिपीटेड नंबर्स को एक बार ही पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को ले आते हैं तो वो बन जाता है हमारा सेकंड इक्वेशन। चलिए अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्स्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। इक्वेशन सेकंड हमारा है 1000 पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 235.353535 एंड सो ऑन। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 10 पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 2.353535 एंड सो ऑन। अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए इस पहले नंबर में पॉइंट के बाद में है 353535 एंड सो ऑन। ऐसे ही इस दूसरे नंबर में भी पॉइंट के बाद में है 353535 एंड सो ऑन। तो जब हम पहले नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद में सेम नंबर्स होने के कारण से पॉइंट के बाद में बचेगा 000 एंड सो ऑन। अब हम पॉइंट के आगे आते हैं तो जब हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 और आगे 23 तो है ही है। तो जब हमने 235.353535 सो ऑन से 2.353535 सो ऑन को सब्स्ट्रैक्ट किया तो आया 233.000 सो ऑन। अब पॉइंट के बाद तो 00 लिखने की जरूरत नहीं है तो हम पॉइंट के बाद में इन जीरोस को यहां से हटा भी सकते हैं, ठीक है, आगे हम हटाएंगे भी। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1000 पी अपॉन क्यू माइनस 10 पी अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 990 पी अपॉन क्यू। अब हमारे पास में आ गया है 990 पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 233.000 एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद में जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम पॉइंट के बाद में इन जीरोस को यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा 990 पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 233। अब हम इस 990 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से यहां डिवाइड में आ जाएगा, तब ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। तो यहां पर हमने निकाल दिया कि P अपॉन Q हमारा है 233 अपॉन 990। अब शुरुआत में हमने 0.2 एंड 35 पर बार को P अपॉन Q सपोज किया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.2 एंड 35 पर बार इज इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0.2 एंड 35 पर बार का P अपॉन Q फॉर्म है 233 अपॉन 990। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।